सो गाइस, अपने ऑटोकैड की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए ड्रॉ बार से मॉडिफाई बार की तरफ मूव करते हुए मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका मेंटर भव्य करवल, और आज हम सीखेंगे मॉडिफाई बार के कुछ टूल्स जैसे मूव टूल, कॉपी टूल और रोटेट टूल। इन पे कैसे काम किया जाता है। अभी तक के टूल्स में गाइस हम लोगों ने सीख लिया है कि लाइन पे कैसे काम होता है, रेक्टेंगल पे होता है, और उससे हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। अब बारी आती है मॉडिफिकेशन की, कि मॉडिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले वाले ट्यूटोरियल्स की तरह मैंने इस पर भी आपके लिए ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, मूव कमांड पे, कॉपी कमांड पे और रोटेट कमांड पे। तो इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले सीखते हैं कि इनके अलियास क्या होते हैं। ड्रॉ बार के लिए हमें पता ही है कि हमें कुछ भी बनाना होता था तो वो ड्रॉ बार के अंदर मिलता था। जैसे लाइन हो गया था, हमारे पास सर्कल हो गए थे, हमारे पास आर्क हो गई थी। ऐसे ही जब मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमें मिलता है मॉडिफाई बार के अंदर चीज़ें जो मिलती हैं ऊपर से मेन्यू बार में। आप यहाँ क्लिक कीजिए जहाँ पर आपके पास आ जाएगा मूव, रोटेट एंड कॉपी। तो मूव बार के, मूव कमांड के लिए हम लोग गाइस क्या करेंगे, हम लोगों को या तो मॉडिफाई बार के लिए मॉडिफाई बार में जाना है और यहाँ से हमें मूव पे क्लिक करना है। आइदर गाइस हमें मॉडिफाई पैनल में जाना है, यहाँ पे मूव का ऑप्शन आता है, या फिर नीचे उसका जो एलियास होता है आप लोगों को पता ही है, दैट इज एम एंटर। जैसे आप एम एंटर करेंगे वो आपको कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक या एक से ज़्यादा। आप पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है या आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं। तो अभी के एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ पे फ्री हैंड रेक्टेंगल है, कोई साइज़ के साथ नहीं है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और मैं इसको मूव करना चाहता हूँ राइट की तरफ। तो कैसे मूव करूँगा, इधर मैं पैनल में जाके मूव क्लिक करूँगा, वो कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, देन वो कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हर चीज़ को पिक करने के लिए गाइज आपको एक बेस पॉइंट होता है, जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, वो कहीं पर भी हो सकता है, आप कहीं बाहर भी क्लिक कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैं सेंटर को बेस पॉइंट ले लेता हूँ, देन मैं इसको राइट की तरफ मूव करता हूँ। अगर गाइज मेरा ऑर्थो ओपन होगा, ऑर्थो ओपन कर देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही मूव करेगा, अगर ऑर्थो ओपन नहीं है तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सपोज ऑर्थो ऑन किया और मैंने इसको एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव किया और डायरेक्ट वैल्यू डाल दी 350, तो उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से 350 आगे डिस्प्लेस कर दिया। तो गाइस ये था सिंगल ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर आपके पास कोई मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने एक इधर सर्कल बना रखा है और एक इधर सर्कल बना रखा है, मैं चाहता हूँ इस पूरे ऑब्जेक्ट को वापस अपनी जगह पर लेके जाना, तो कैसे लेके जाएंगे गाइस, मूव के लिए एम एंटर करेंगे, राइट यू आर राइट, सेलेक्ट करेंगे विंडो बना के पूरे ऑब्जेक्ट को, बेस पॉइंट डिफाइन करेंगे कहीं पे भी, यहाँ ले लेता हूँ इस बारी, क्रॉस एयर को लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ वेस्ट की तरफ, वैल्यू डालता हूँ 350, तो वो 350 डिस्प्लेस करके अपनी जगह पे आ जाएगा। तो गाइज मूव कमांड कुछ ऐसे होती है कि आप इसे मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। फ्री हैंड करना चाहें तो फिर से बहुत आसान है, मूव कीजिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, कहीं पे भी बेस पॉइंट दीजिए और तो बंद कीजिए, जहां उठा के प्लेस करना है वहां प्लेस कर दीजिए। ईजी था, कर लेंगे, ट्यूटोरियल्स हैं आपके लिए तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कमांड आती है गाइज वो आती है कॉपी कमांड। मूव में तो आपने एक जगह से डिस्प्लेस करा, यहाँ रख दिया, मैं चाहता हूँ मेरा बेड यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी कॉपी हो जाए, तो उसके लिए गाइज हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है तो मैं पहले इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे रख लेता हूँ। अब देखते हैं कॉपी पे कैसे काम होता है। सो गाइज जैसे मूव आपको मॉडिफाई में मिला था, कॉपी भी आपको मॉडिफाई में मिलेगा। मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे आप कॉपी पे जाइए, उसके बाद वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक एक से ज़्यादा, आप विंडो बना के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, कहता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट से पहले अगर आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है करंट सेटिंग्स कॉपी मोड सिंगल, मतलब ये एक सिंगल बार कॉपी करेगा और आपको कमांड से बाहर कर देगा। देखते हैं कैसे, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपने बेस पॉइंट कहीं पर भी ले लिया, जहाँ पर भी रखना है वहाँ रखा, जैसे ही रखा आपने देखा उसने आपको कमांड से बाहर कर दिया। डैट मीन्स कॉपी कमांड के अंदर एक सिंगल मोड होता है जिसकी हेल्प से आप एक बार कॉपी करते हैं और वो आपको कमांड से बाहर कर देता है। देखते हैं कैसे, सीओ में गए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया आपने, बेस पॉइंट लिया आपने, फिर से उसको कहीं पे भी रखा, आपने अगर F8 खोल रखा है तो आप स्पेसिफिक डिस्टेंस पे भी ले सकते हैं, 150 के डिस्टेंस पे मैंने कॉपी कर लिया है इसको, या आप दोनों को नीचे कॉपी करना चाहते हैं तो सीओ एंटर कीजिए, सिंगल मोड में चल रहा हूँ गाइस मैं अभी तक। सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट कहीं पे भी बाहर ले लिया, नीचे की तरफ मूव किया, वैल्यू डाल दी, सपोज मैंने यहाँ पे 150, तो ये 150 की तरफ नीचे कॉपी हो गया। तो हम सिंगल सिंगल करके, सिंगल मोड क्या हो रहा है, एक बार कॉपी कर रहा है कमांड से बाहर कर देता है। बट गाइस हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं कॉपी के अंदर। जैसे मैं कॉपी में जाऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में जाऊँगा, बेस पॉइंट के बाद ऑप्शन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट मोड और मल्टीपल। यहाँ जो मल्टीपल है गाइस वो सिंगल मल्टीपल है, मतलब वो सिर्फ इसी कमांड पे अप्लाई होगा। सपोज मैं मल्टीपल पे क्लिक कर देता हूँ, बेस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, F8 ऑफ करता हूँ और उसे मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर पाऊँगा। बट इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि इसने मेरे कॉपी कमांड को परमानेंट मल्टीपल मोड पे डाल दिया है, नहीं, वो अभी भी मेरा सिंगल मोड पे ही है। आप कॉपी पे जाइए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आप देखेंगे मैंने एक बार कॉपी किया, उसने फिर मुझे कमांड से बाहर कर दिया, मतलब एक सिंगल टाइम के लिए उसने आपको मल्टीपल मोड एलिजिबल कराया था। तो आप फिर से कॉपी पे जाइए,
आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप नीचे ऑप्शन आता है आपके पास मोड, आप इस मोड में जाइए। तो इसके मोड के अंदर जो ऑप्शन है सिंगल और मल्टीपल, ये आपके परमानेंट है। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल कर दिया तो वो परमानेंट इस शीट के लिए वो आपको मल्टीपल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आपने सिंगल कर दिया तो सिंगल में हो जाएगा। तो पहले से वो सिंगल था, मैं इसको परमानेंट मल्टीपल कर देता हूँ। अब सिलेक्ट करता हूँ तो वो मल्टीपल टाइम्स मेरा आराम से यहाँ से कॉपी कर सकता है। तो गाइस हमने सिंपल तरीके से सीखा कि कॉपी कैसे करते हैं सिंगल के साथ और मल्टीपल के साथ, ठीक है। हाँ, नीचे एक और ऑप्शन आ रहा था डिस्प्लेसमेंट का, वो मैं आपको बता देता हूँ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है गाइस, वैसे हमेशा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज करते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है और मेरे को डिस्टेंस नहीं पता ओरिजिन से लेके इस रेक्टेंगल के इस पॉइंट तक, वट एवर द डिस्टेंस इज इस, पर मुझे क्या करना है इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उतने ही डिस्टेंस पे जितना यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा गाइस, कॉपी में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और डिजिट डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर करूँगा, फिर डी एलियास है उसका। जैसे डी एंटर करूँगा वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसने उसको बेस पॉइंट ओरिजिन को ले लिया। अब मैं ओरिजिन से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, तो जितना डिस्टेंस मैंने ओरिजिन से उस रेक्टेंगल तक कवर किया है ना गाइस, उतना ही देखेंगे मेरा कॉपी आगे की तरफ हो जाएगा, तो उतने ही डिस्टेंस पे एग्जैक्ट कॉपी वहाँ से वहाँ तक हो गया। तो गाइस ये था कॉपी, आपको समझ आया हो, आई होप कि आपको सिंगल कॉपी और मल्टीपल कॉपी बिल्कुल क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, कंटेंट में आप मेंशन कीजिए, कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको फॉलो करूंगा और आपको दोबारा समझा दूंगा। आगे चलते हैं गाइस, अगला आता है रोटेट कमांड। मैं चाहता हूं अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना 25 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, वो कैसे करते हैं। तो एग्जांपल में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगल बना रखा है 150 का, जिसको हमने अगली बार आपको रोटेट करके दिखाया है इस बेस पॉइंट के रिगार्डिंग में 25 डिग्री पे। यहाँ पे हमने रोटेट करके दिखाया 90 डिग्री पे बट कॉपी कमांड के साथ। तो इसको दोबारा फॉलो करते हैं ये कैसे हुआ है। तो सपोज करते हैं गाइस मैं विंडो बना लेता हूँ और मैं कॉपी कमांड से सिंगल मोड कमांड से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, मल्टीपल में था पर मैं सिंगल बाहर निकाल के छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो रोटेट गाइस कहाँ मिलेगा, मॉडिफाई में जाइए, यहाँ मिलता है आपको रोटेट, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे वो कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, विंडो बना के मैंने सिलेक्ट कर लिया, कहता है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, कहता है रोटेशन एंगल डालो, रोटेशन एंगल सपोज मैंने 35 डिग्री डाल दिया, तो उसने उस बेस पॉइंट के रिगार्डिंग में 35 डिग्री टिल्ट हो गया। तो अगर आप चाहें तो इसके डायमेंशन भी मेजर कर सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ पे लीजिए, डायमेंशन के लिए आपको पता ही है DAN एंटर करते हैं, DAN एंटर कीजिए। अच्छा नहीं पता है तो आपने शायद मेरे रेक्टेंगल कमांड वाली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, क्लिक करके वो भी देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 35 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन के आ रहा है, तो दैट मीन्स जो भी हमने उसको रोटेट किया 35 डिग्री वो इजीली टिल्ट हो चुका है। दोबारा देखते हैं गाइस कि कैसे किया था। तो मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब की बार मैं रोटेट करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, बेस पॉइंट दूंगा और नीचे ऑप्शन आ रहा है कॉपी का। तो गाइस अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सी एंटर करता हूँ कॉपी के लिए, तो हमें उसे कितने भी डिग्री पे रख सकता हूँ। सपोज मैं इसको यहाँ पे 90 डिग्री डाल देता हूँ तो वो 90 डिग्री पे रोटेट भी होगा उस बेस पॉइंट के रिगार्डिंग में और कॉपी भी हो जाएगा। तो गाइस कहने का ये मतलब था कि आप रोटेट भी कर सकते हो किसी एंगल पे, आप रोटेट के साथ कॉपी भी कर सकते हो और दोनों कमांड को एक साथ यूज़ भी कर सकते हो कि रोटेट के अंदर कॉपी आ रहा था। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो में, जिसमें हमने सीखा मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं और रोटेट कैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। लास्ट तक वीडियो देखते रहिए गाइस, उसको देखने से आप ही को फ़ायदा होगा। और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्केल और स्ट्रेच पे कैसे काम किया जाता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।